शादी होते ही पहला सवाल everybody started asking when is the baby coming. So we decided to have one and that's how Cos IQ was born. This is our first born. इसको हमेशा ऐसे ही लेके घूमते हो? Oh, we would love to. Trust me. दो साल पहले मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रही थी जहां मैंने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किए. इन दो सालों में मैंने स्किन केयर इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ जाना. मुझे लगा कि हमें एक एथिकल और इंटेलिजेंट स्किन केयर ब्रांड की जरूरत है. हम एक ऐसा ब्रांड बना रहे हैं जो अपने कस्टमर्स को सही और सटीक इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स में सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरी मात्रा में डालता है, सिर्फ आपकी सेफ्टी और रिजल्ट्स पे फोकस रखते हैं. हमारा सनस्क्रीन एक सीरम फॉर्म में आता है जो लगाने के 10 सेकंड में ही गायब हो जाता है, लीविंग जीरो व्हाइट कास्ट. और हमने इंडिया का पहला सिर्फ दो इंग्रेडिएंट वाला विटामिन सी सीरम बनाया है. और इसमें नींबू और संतरा नहीं है. हम वो क्लेम नहीं करते हैं. हम लोग आपसे 7.5% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपए मांग रहे हैं आज. एंड वी वुड लव यू टू बी द गॉडफादर एंड गॉडमदर शार्क फॉर आवर न्यूबॉर्न. Let me give you the samples I've got yes, for you. Yes, please, please share the samples. So we've got our vitamin C serum for you and sunscreen. Okay. And that is our best-selling product. आपने कब लॉन्च किया इसको? 3 महीने हुए. 3 महीने. मैं actually product के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ because you know मैं इस industry से belong करती हूँ. I'm very excited about products. तो पहली बात तो आई लव द सनस्क्रीन सीरम. सिमिलरली विटामिन सी, मुझे लगता है कि यू नो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बोलना कि 23% है और फिर भी स्टेबल है, 2 साल शेल्फ लाइफ है, काफी अच्छा है. मुझे बस आपको कंग्रेचुलेट करना था कि आपने 3 महीने में बहुत अच्छा काम किया है. तो आपने जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस था, यू पुट इट वेल, क्योंकि लाखों ब्रांड है पर ऐसा क्लियर packaging, communication and good quality product बहुत कम brands के पास है. Thank you. You know, a brand name में ऐसा पूरा feel आना चाहिए and consumers should love it. इसको pronunciation में सब confused हो गए, Cosic है कि Cos IQ है, तो आपने ये name क्यों choose किया? हम skin care intelligent cosmetics बनाना चाहते थे, तो नाम भाई है Cos from cosmetics and IQ from intelligence question. लेकिन customer Cos IQ बोलेगा नहीं, Cosic ही बोलेगा. मोस्टली कस्टमर्स कॉस आई क्यू बोल रहे हैं. देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो कॉस बोल रहे हैं. मैं थोड़ा चार पांच लोग थोड़ा आइडिया था. हमने बीच में डैश भी लगाने का सोचा है, तो हम वो कंफ्यूज हैं. वो कॉस आई क्यू एंड आप लो आई क्यू. सही नहीं सर, बात सही है. मेरे को एक चीज बताओ अंगद कनिका, आप लोग कैसे डिवाइड करते हो, क्या काम करते हो आपस में? मेरा सर फाइनेंशियल पार्ट थोड़ा सा मैं देखता हूँ. तो फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग आप देखते हो, प्रोडक्ट ये देखते हो? प्रोडक्ट एंड न्यू आइडियाज. आपने अभी तक कुछ बेचा है 4 महीने में? 11 लाख. खाली सारा ऑनलाइन बिकता है? 90% अमेज़न और मार्केट प्लेसेस पे. हम पिछले महीने कितना बेचा? 4.5 लाख. 3.5 लाख. इस महीने 4.5. फाइनेंस आप देखते हैं कि वो देखते हैं? हाँ. पिछले महीने 3.5, इस महीने 4.5 क्लोज करेंगे. 4 महीने में आपने 4.5 लाख का बिजनेस शुरू कर दिया है. इट्स अ गुड साइन यार. ग्रॉस मार्जिन? Gross is 75%, net is 20%. Kanika और Angad. जी मैम. ये जो sunscreen है मुझे बहुत ज्यादा sticky लगा. जब मैंने try किया मुझे इसमें ऐसे कोई differentiator दिखा नहीं, जिसकी वजह से I felt कि आप ये बेच पाएंगे. तो for that reason I'm out. But I wish you the very best. Thank you, ma'am. प्रोडक्ट तो मेरे को ठीक लग रहा है, at least quality wise, देखने में. It is international quality. किसी को प्रीमियम प्रोडक्ट की फील आती है. मेरे को आप एक बात बताइए, मैं बोला आपका नाम बकवास है. मेरे को कोई चाइनीज टीवी का ब्रांड लग रहा है, कॉस्मेटिक का ब्रांड नहीं लग रहा है. इसको चेंज कर दो, क्या रिएक्शन है आपका? कर सकते हैं सर, प्रोडक्ट में दम है, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं. नाम इस पॉइंट पे तो जरूर कर सकते हैं. आगे चल के शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब ब्रांड वैल्यू बन जाए थोड़ी सी. बच्चे का नाम बचपन में चेंज हो जाता है तो ठीक लगता है, 10th में जाके चेंज कर दे तो उसका मजाक उड़ता है. अंगद कनिका, आप 50 लाख रुपए जो मांग रहे हो किसके लिए मांग रहे हो? सर मेनली मार्केटिंग के लिए.
तो आपका प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस? सो वी आर ब्रेक इवन है बट हम वो ब्लास्ट नहीं कर सकते विद पेड मार्केटिंग नहीं है नहीं ऑर्गेनिक मार्केटिंग. चलो मैं आपको एक ऑफर करता हूं. आई थिंक यू आर एट द बिगिनिंग. इसमें बहुत काम है. पोजीशनिंग सेल्स मार्केटिंग देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क. आई विल गिव यू द 50 लाख्स बट आई वांट 20% ऑफ द कंपनी. आप जानते हैं कि मैं शुगर ग्रो किया है एंड मुझे ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एंड आपने बहुत करेक्ट यू नो पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट पकड़ा है. इसका फ्यूचर आई थिंक बहुत ब्राइट है. मुझे आपकी वैल्यूएशन काफ़ी खटक रही है शुरू से बिकॉज मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी है स्पेस में एंड वैल्यूएशन रेवेन्यू पे होती है. तो अगर आप एक साल बाद आए बिगर रेवेन्यू पे तो आप ऐसी वैल्यूएशन मांग सकते हैं. नहीं तो अभी तो 6.5 करोड़ मतलब बहुत ही ऑफ है. बट एनीवेज मैं पहले ऑफर करती तो मैं ये ऑफर करती कि 20 लाख फॉर 20% प्लस 30 लाख ऑफ डेट 12% इंटरेस्ट. इज दैट एन ऑफर? या दैट इज यू आर मेकिंग एन ऑफर. आई एम मेकिंग. आप तो डेट लेके मर जाओगे. सोचना भी मत. डेट से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है. इक्विटी बकवास होती है. डेट बहुत अच्छी चीज है. ये अलग अलग लोगों का मानना है. पेश करते हैं Altor, इंडिया का पहला रेंज ऑफ स्मार्ट हेड गियर्स दैट अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एक्सीडेंट्स. अगर कोई भी राइडर हमारा हेलमेट पहन के कोई भी एक्सीडेंट का सामना करता है तो हमारा एक्सीडेंट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इसको तुरंत डिटेक्ट करता है और उसका लास्ट नोन डिटेक्शन के साथ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को इमीडिएटली एक मैसेज भेज देता है ताकि उसके पास जल्द से जल्द मदद पहुंचाया जा सके. हम लोग 15 नवंबर से अपना सेल्स शुरू किया है एंड ऑलरेडी इन दिस शॉर्ट टाइम हम लोग 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं एंड हमारे पास 500 से भी ज़्यादा पेड प्री ऑर्डर्स हैं. आज के इस शो में हमारा आस्क है 50 लाख फॉर एन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी. तो शार्क्स, आप में से कौन कौन तैयार हो टू राइड स्मार्ट एंड राइड सेफ विथ Altor? Guys, welcome to Shark Tank. Thank you so much, Anupam sir. क्या हम डेमो देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट का? बिल्कुल. चलिए, let's do it. सर, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है हमारा करंट प्रोडक्ट, विच इज अ फुल्ली बिल्ट इन स्मार्ट हेलमेट. इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है और हेलमेट नॉट वर्न है अभी. और जैसे ही एक राइडर पहन लेता है, सिस्टम उसको डिटेक्ट करके हेलमेट वर्न कर देता है. इसके चलते बाकी सारे फंक्शनलिटीज अब एक्टिवेट होते हैं. तो सोचिए कि बिलाल एक राइडर है जो राइड कर रहा है और उसके पास एक फोन कॉल आता है. सो ऑल ही हैज टू डू इज एक उंगली से स्वाइप अप करना होता है एंड द कॉल गेट्स एक्सेप्टेड एंड सिमिलरली उसको डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है कॉल को. नेविगेशन का भी मदद दिया जा सकता है गूगल असिस्टेंट इन्वोक करके और उसको वॉइस कमांड्स देके. टेक मी टू जुहू बीच. अभी हम सेफ्टी और के फीचर्स एक बार दिखाना चाहेंगे आपको. कोई भी राइडर अनसेफ फील कर रहा है विद द टैप ऑफ अ बटन वो अपने प्रीसेट कॉन्टैक्ट्स को अपना लास्ट नोन लोकेशन सेंड कर सकता है जो हम लोग का सबसे रैश ड्राइविंग डिटेक्शन और गेमिफिकेशन का फीचर है. जैसे आप देख सकते हो तो एक राइडर दिन पर कैसे चल रहा है, उसका हेलमेट वेयर कैसा है, वो कितना टाइम सही तरीके से गाड़ी चला रहा है, उसके ऊपर उसको पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं. अगर वो खराब तरीके से गाड़ी चला रहा है तो उसको इनपुट्स मिलता है कि कैसे वो सही कर सकते हैं. तो ये रिवॉर्ड्स और कूपन्स के साथ वो इंसेंटिवाइज रहते हैं कि हाँ हमको अभी सही से चलाना चाहिए, मुझे और यूज करना चाहिए. अभी हम आपको अपना फ्लैगशिप जो फीचर है एक्सीडेंट डिटेक्शन उसका एक डेमो दिखाना चाहेंगे. आई वुड लाइक टू मेंशन कि प्लीज डोंट ट्राई दिस एनीवन एट होम. सो अगेन दिस इज अ सिमुलेशन, वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर हियर. So with the count of 3, Shayan will hit him. 3, 2, 1. Go. 2. Yeah. Beautiful. तुमने volunteer किया ये करने के लिए कि पैसे दिए? सर इसको कल से 50 बार मारा जा चुका है. वो गाय. Bilal, एक सेकंड. आप ठीक तो हो ना? Yeah. You sure? Yeah. You need a glass of water or something? No. तो सर जैसे कि आप देख सकते हो सिम्युलेटेड है. यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है. इतने कोशिश के बावजूद भी क्योंकि टेक्नोलॉजी है और क्योंकि एक बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, फॉल्स पॉजिटिव केसेस 1% डेफिनेटली हो सकता है. वी डोंट डिनाई दैट. बट उसके वजह से हम लोग का एक काउंटर है कि राइडर को अगर लगा ये फॉल्स हुआ है कि गेट्स अ टाइमर जिसके अंदर वो कैंसिल करके उसको नलीफाई कर सकता है. कैंसिल कहाँ पे करेगा? ऐप से भी कर सकता है, हेलमेट से भी कर सकता है विद अ स्वाइप बैक. आपने शुरू की कंपनी आपके दोस्त की दुर्घटना होने के बाद कि पहले से ही आइडिया आपके मन में था? ये हम लोग जो दोस्त का एक्सीडेंट बोले वो हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर था.
वो हमारे एक बहुत ही करीबी हिस्सा था ग्रुप का। और सबसे जो चीज हम लोग को चुभा वो ये है कि कोई भी उसको टाइमली मदद नहीं दे पाया। सी इट्स नॉट अबाउट एक्सीडेंट्स, इट्स अबाउट टाइमली एड आफ्टर एन एक्सीडेंट। ये कब की बात है? ये है 2016 की बात। 2016 आप सब कॉलेज में थे वो वक्त में? हम सब तब सेकंड ईयर इंजीनियरिंग। कौन सी कॉलेज में, कहां पढ़ाई की? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन कोलकाता। इन कोलकाता। और फिर वहां से आपने कॉलेज में ग्रेजुएट करके फिर ये काम कब शुरू किया? हम लोग 2019 से शुरू किया। 2019 से शुरू किया। चलो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्त के लिए आप कुछ कर रहे हो जो सबकी मदद करेगा। थैंक यू सर, बहुत बड़ी बात। थैंक यू सर। इस स्पेस में और भी लोग हैं इंडिया में? सर इन द होल स्मार्ट हेलमेट कैटेगरी ग्लोबली का ही सारे प्लेयर्स है, बट इंडिया में ऐसा कुछ इसके ऊपर नहीं है सो फार। इसमें हेलमेट के अंदर सिम लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है सर। मतलब अभी एग्जिस्टिंग वाले में प्रोविजन है? अभी वाले में नहीं है। तो अभी जो कनेक्टिविटी है वो फोन के थ्रू होनी पड़ेगी? जी सर जी। फोन डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉल किसके थ्रू जाएगा? आई विल एक्सप्लेन सर। तो जैसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, पूरा सिस्टम को कांस्टेंट मॉनिटर करता है। सो जो लास्ट कनेक्शन पॉइंट है ब्लूटूथ के साथ, जब भी सिस्टम समझता है कि कुछ हुआ है, वो लास्ट कनेक्शन पॉइंट पे कॉल बैक करके वो इमरजेंसी कॉल्स इनिशिएट कर देता है थ्रू द ब्लूटूथ। ग्लोबली इतने कंपनीज हैं जो ये कर रहे हैं। जी सर। चाइना में ये बनना शुरू हो जाएगा तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? वी आर ऑलरेडी रीचिंग आउट टू प्लेयर्स जिसको हम लोग इसको टेक को लाइसेंस कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि पूरा सिस्टम एक पाम के साइज में आ जाता है। जो एग्जिस्टिंग लाइक वी हैव लिटरली ओपन क्लोज टू 30-35 स्मार्ट हेलमेट जितने आते हैं दुनिया में, नन ऑफ देम हैव इट। सो विद दिस ऑप्टिमाइज्ड टेक जो बिग प्लेयर्स है वो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, उसका पूरा R&D कॉस्ट बच जाता है, उनका टाइम टू मार्केट बच जाता है। तो आप एक लाइसेंसिंग अरेंजमेंट बिजनेस मॉडल भी कर सकते हैं? एग्जैक्टली। आप लोग हेलमेट कंपनी? सर वी आर अ टेक कंपनी for a range of smart headgears. You don't want to be a helmet company? No sir, absolutely not. So aapko Altor Inside banana hai? Absolutely sir, that's the goal. WHO ki mane to 1 out of every 1,000 children needs what we make. India mein 20 lakh se zyada visually impaired bacche hain aur inka literacy rate bahut kam hai. Hairani ki baat ye hai ki US jaise desh mein bhi literacy rate is only 10%. Matlab jis desh mein har lift mein braille buttons hote hain, wahan 10 में से सिर्फ एक बच्चा ब्रेल को पढ़ पाता है, और उसका रीजन है ब्रेल प्रोफेशनल टीचर्स की भारी कमी। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, तो हम ला रहे हैं एनी। एनी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ लर्निंग रिमोट इनेबल्ड ब्रेल लिटरेसी डिवाइस। एनी अपनी फ्रेंडली आवाज में बच्चों को अपनी मदर टंग में ब्रेल सिखाती है। एनी के साथ साथ हमारा एक लर्निंग इकोसिस्टम हीलियोस भी है, उससे बच्चों का प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं नया कंटेंट थ्रू ओवर द ईयर अपडेट्स। हीलियोस और एनी की मदद से मेनस्ट्रीम रेगुलर स्कूल्स में भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पाते हैं। और अब एनी का डेमो देने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, समवन हु नोज एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस। आई लाइक टू इनवाइट प्रथमेश सिन्हा। हाय प्रथम। हाय। हाय शॉक्स। हाय। Welcome to Shark Tank, Prathamesh. नमस्कार शख्स, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है, मैं पुणे से आया हूँ। जब लॉकडाउन में सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तब एनी की मदद से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। एनी मेरे लिए सिर्फ एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस ही नहीं, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कंपेनियन भी है। सो अगर हम एनी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम एनी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक लार्ज ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे बड़े डॉट्स उभर कर आते हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसके मुकाबले। फिर मेरे राइट साइड पे ये स्टैंडर्ड ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे छोटे डॉट्स आएंगे हम जो पढ़ते हैं उसी की तरह। यहाँ बीच में ये स्पीकर है, यहाँ पे इसे नीचे चले तो यहाँ पे मुझे कीबोर्ड मिल जाता है जिससे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे 6 कीज है। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट्स पे डिपेंड करती है और 6 डॉट्स का अरेंजमेंट है, और उसी हिसाब से यहाँ पे कीज भी है, जैसे 1, 2, 3 फिर 4, 5, 6। की नंबर 3 के नीचे एंटर की है और की नंबर 6 के नीचे बैकस्पेस की है। अगर हम कीबोर्ड से थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे एनी की ब्रेल स्लेट है, जो कि एक डिजिटल ब्रेल स्लेट है जिसकी मदद से मैं राइटिंग सीख सकता हूँ। रीडिंग एंड टाइपिंग, इसकी मदद से मैं रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। इसमें लेसन्स और गेम्स और स्टोरीज भी हैं। सो अभी मैं आपको एनी पे एक लेसन करके दिखाऊंगा।
a letter typing lesson. Oho, galat jawab. इसने मुझे अभी रीट्रायल दिया. I think कुछ हुआ होगा. Don't worry, just I'm managing. Rescue one. I'm managing. एक अक्षर को टाइप करने के लिए टाइपिंग कीज पर दबाएं. अपना जवाब सबमिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं. बहुत अच्छे. Yay, I did it. Yes. Thank you, Shots, to for giving you valuable and important time. I hope you'd like my demonstration. Oh, we loved it. We loved you. Thank you, Shots. Very nice. प्रथमेश, मेरा नाम जानते हो? आवाज से पहचान रहे हो मैं कौन बोल रहा हूँ? अमन गुप्ता सर. थोड़ा आसपास समझ लो. अमन गुप्ता सर नहीं है, वो लेंस कार्ड के. So cute. चलो, तीन चार लोग में से हम ही एक है. अनुपम बोल रहा हूँ मैं. अनुपम, okay. जानते हो हम क्या करते हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं. Very good. आप शार्क की चेयर पे बैठना चाहोगे? Okay. आपकी उम्र क्या है? मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं एक बार अमन गुप्ता सर से भी बात करना चाहता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही. अमन आ जाओ यार. सर, आपको पता है हमारे पास ना आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब है, जैसे ईयरपॉड, हेडफोन, चार्जर, स्पीकर. जब भी मैं हेडफोन ऑन करता हूँ ना अपना, तो ऐसी आवाज आती है, पावर ऑन. आफ्टर दैट जब मैं ऑफ करता हूँ, आई जस्ट मेक अ पावरिंग ऑफ. आप तो बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं. एब्सोल्युटली राइट मैन, इट इज अमेजिंग. और सर, मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकता हूँ? बिल्कुल आइए. बिल्कुल आ जाओ. प्रथमेश, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? सर, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ. आपको लगता है एनी आपका आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा? इसका अपडेटेड वर्जन आता जाएगा तो क्या पता ऐसा वर्जन आ जाए जिसमें ये मदद भी करते. अरे वाह, तो आप भी शेयर होल्डर है क्या एनी में? ब्रांड एम्बेसडर. देखो, आज अगर इनको फंडिंग मिल जाती है ना, आप इंश्योर करना आपकी ब्रांड एम्बेसडर की फीस बढ़ा दें. यस यस, बिल्कुल. चलो प्रथमेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. बाय बाय प्रथमेश. बाय बाय. तो गिवन द प्रोडक्ट एंड द मार्केट, हमारा टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट्स. वी आर प्लानिंग टू डू व्हाट इंडियन आईटी डिड इन सॉफ्टवेयर. वी आर प्लानिंग टू डू दैट विद हार्डवेयर in the field of special needs education. हमने अमेरिका का लार्जेस्ट असिस्टिव टेक डिस्ट्रीब्यूटर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू ऑफ $1.7 million. 1.7 million मतलब 12 करोड़. 12 से 13 करोड़. 12 से 13 करोड़. तो यूएस के एकेडमिक ईयर पे 700 एनीस का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है. एनी का नाम यूएस पे पॉली है. दे ट्रूली बिलीव इन आवर विजन और वो बोल रहे हैं कि ये ब्रेल लिटरेसी के लिए आईफोन मोमेंट है. वाओ. एंड वी आर लकी टू बी बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स लाइक मिस्टर आनंद महिंद्रा, मिस्टर रमन रॉय, IIM एंड LV. अब थिंकअवेल लैब्स को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए वी आर लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स. एंड इसलिए शार्क्स, हम आपको ऑफर करना चाहेंगे 0.5% इक्विटी फॉर 30 लाख रुपीज़.